हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेकअप ऑन द गो। सो आज मैं आपके लिए एक कमाल का वीडियो और एक इजी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम एक लुक तैयार करेंगे विद इन 5 मिनट्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट विद सच अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी ताकि आप भी वो प्रोडक्ट्स परचेज कर सकें। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल, इट इज़ ऑन वेरी लो साइड, तो आप आराम से मतलब ज़्यादा हाई रेंज के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कोई भी आराम से खरीद सकता है, कोई भी आराम से यूज़ कर सकता है। एंड स्पेशली आज की वीडियो जो है वो टीनेजर्स के लिए भी है एंड फॉर अडल्ट ऑल्सो, तो यू कैन क्रिएट दिस ईजी लुक विद इन 5 मिनट्स इफ़ यू आर गोइंग कॉलेज, इफ़ यू आर गोइंग ऑफिस और एनी प्लेस, दिस इज जस्ट अ 5 मिनट लुक। सो हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ, जिसके साथ हम आ जाइए 5 मिनट का लुक तैयार करेंगे। सो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखिए गाइस, सबसे मेरा चेहरा एकदम क्लीन है, मैंने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा रखा, इट्स लाइक अ एकदम क्लियर, जैसे कहते हैं ना क्लियर कैनवास की तरह से एकदम साफ चेहरा है, कुछ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं कर रखा है। और आज का जो मैं लुक तैयार करूँगी उसमें आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी फाउंडेशन और कंसीलर, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस बीबी क्रीम। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो हम बीबी क्रीम लेंगे एंड वी विल गर्दन पे जरूर लगाएं, वरना ऐसा लगेगा कि आपने एंड हमेशा डॉट डॉट की तरह से ही लगाना है। इफ़ यू आर अ फाउंडेशन और कंसीलर लवर, आप फाउंडेशन और कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली आई डोंट लाइक टू यूज़ कंसीलर एंड फिंगर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ब्लेंडर और एनी सच थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू डैब इट विद माई फिंगर्स। If you want, you can use a beauty blender too. But मुझे लगता है कि fingers से ज़्यादा अच्छा makeup होता है, so I'm not going to use it. And this is very affordable product. जैसे कि आप जानते हैं, this is just for ₹120. So next I'm going to brush my brow. This is a spoolie brush. आप कोई सा भी ब्रश लेके यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक स्पूली ले रखा है, दिस इज फ्रॉम मैक, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रश माई आईब्रोज अपवर्ड्स। मैं इसको फिल नहीं करूँगी क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा फिल की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली फॉर टीनेजर्स, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन परचेज अ गुड पेंसिल फॉर योर ब्राउज। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज कॉम्पैक्ट पाउडर, इट्स अ नायका कॉम्पैक्ट पाउडर, ये बहुत ही अच्छा है। आई एम गोइंग टू शो यू, माई शेड इज लाइट आइवरी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट लाइक दिस एंड डैब ऑन माई ऑयली पार्ट, जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा ऑयल आता है, स्पेशली हेयर, ऑन योर चीन, फ्यू मोर डार्क। Forget your neck while doing makeup. And this product is also very affordable, just for ₹229. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड क्या कहते हैं कि लोगों को आईलाइनर्स वगैरह लगाना बहुत पसंद होता है, बट पर्सनली आई डोंट लाइक कि मैं आईलाइनर लगाऊँ, मेरी आईज बहुत छोटी हैं, सो आई डोंट लाइक टू अप्लाई मच आईलाइनर ऑन माई आईज, सो उसकी जगह ब्लैक आईलाइनर के लगा, आई लव कलर्ड आईलाइनर्स, तो आई एम यूजिंग दिस आईलाइनर टुडे, दिस इज फ्रॉम कलर बार एंड दिस इज गोल्ड शेड, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन ऑन अपवर्ड्स क्योंकि मेरे को ऊपर नहीं पसंद, मुझे ये वाला शेड नीचे लगाना पसंद है, तो मैं इसे नीचे लगाऊंगी।
बहुत ही शिमरी शेड है ये, आप इसे कभी भी कहीं पार्टी में जा रहे हो तो यूज कर सकते हैं। मुझे तो ऊपर नहीं पसंद, मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ, आप इसे अपनी अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। एंड आफ्टर द एंड इट इज जस्ट फॉर रुपीज आई गेस 350 समथिंग अराउंड, इट इज वेरी अफोर्डेबल। एंड इसके बाद आप इसे फिंगर्स से ब्लेंड कर सकते हैं। कितना अच्छा शिमरी आईज तैयार हो गया आपकी। एंड द लास्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू यूज इज दिस ओरिफ्लेम की लिप बम। ये मैंने पहले भी दिखाई थी, दिस इज़ वेरी गुड फॉर टीनेजर्स। अगर कोई टीनेजर्स इसे, जैसे टीनेजर्स को नहीं ज़्यादा नीड होती क्या कहते हैं लिपस्टिक्स लगाने की, तो दे कैन जस्ट यूज दिस एंड दिस स्मेल सो नाइस, सो जस्ट टेक दिस एंड अ फ्यू मोर। जैसे कि आप जानते हैं कि समर्स है और बहुत ज़्यादा यू कैन गो फॉर अ लाइट न्यूड कलर्स और पिंक कलर बेसिकली फॉर समर्स। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेबलिन लिपस्टिक न्यूड फॉर अडल्ट। अगर कोई टीनेजर इसे लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है, इट इज़ अ वेरी नाइस न्यूड शेड। एंड इफ यू वांट कोई भी लगा सकता है इसे, तो मोमेंट ऑफ लाइट। ज़्यादा मैं इसे ओवर वो नहीं करूँगी, एंड ये डन आई एम विद माय 5 मिनट लुक। आप अपने इसके साथ अपने इयररिंग्स पहन सकते हैं, दिस इज सो इजी एंड सो फ्रेश। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ किया, सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, दिस इज सो इजी टू डू। आप भी घर कर सकते हैं ये 5 मिनट का लुक किया कहीं भी जाने से पहले, और ये कहीं भी जाने से पहले आप कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी विथ सच फ्यू प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड इस तरीके से मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आती रहूँगी। सो टिल देन स्टे सेफ, कीप ऑन वॉचिंग, बाय।